कर दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां अक्षय के फादर इस समय प्राची का हाथ देंगे रणवीर के हाथ में और रणवीर से बोलते हुए नजर आएंगे कि किसी भी तरीका से मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूं कि प्राची दुखी सहन करे। मैं चाहता हूं कि अगर ये खुश है तो ये तुम्हारे साथ में खुश रहे, और मुझे वाकई में हर तरीका से तुम दोनों के प्यार पर गर्व है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मैं प्राची को अपनी बेटी मानता हूं, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी किसी भी तरीका से इस घर में घुटी घुटी रहे। आप लोग जानते हैं कि इस समय प्राची का हाथ जब से आखिरकार रणवीर के हाथ में आया है, तब से अक्षय और मीका इस समय बरसते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, कहानी एक नहीं बल्कि समय कई जज्बातों में बदल चुकी है। साथ ही दोस्तों, बात की जाए इस समय की बड़ी अपडेट की, तो जल्दी ही आप लोगों के बीच में पता चलेगा कि आखिरकार ये जो हो रहा है ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय मीका के दिल में रणवीर था और वो रणवीर के लिए कुछ भी करना चाहती है, लेकिन अब मीका बोलती हुई नजर आएगी कि प्रीत इस समय प्राची का समय बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका है और वो प्राची को मार देना चाहती है ताकि रणवीर को किसी भी सूरत में हासिल कर सके। लेकिन दोस्तों, रणवीर को हासिल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्राची को मारने के लिए सबसे पहले तो रणवीर से गुजरना होगा दोस्तों, क्योंकि रणवीर ने सब लोगों के सामने जिस तरीका से बोला है कि मैं किसी भी तरीका से प्यार नहीं करता हूँ मीका से, जिसके बाद में सभी लोग सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या है। और अक्षय की बात की जाए तो अक्षय ने बोला था कि मैं प्राची के लिए कुछ भी कर सकता हूं दोस्तों, और अब वाकई में अक्षय और मीका दोनों बहन भाई बहुत ही ज़्यादा गर्म मिजाज में और प्लानिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कहानी में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसी लग रही है आपको मेरी।